रामपुर दड़ियाल के ग्राम इमरत फार्म में विद्युत विभाग की घोर लापरवाही के चलते एक खेत के ऊपर से गुजर रही 33,000 की विद्युत लाइन के तार टूटने से खेत में खड़ी गेहूं की लगभग 2.5 एकड़ फसल जलकर राख हो गई। खेत स्वामी किसान त्रिलोचन सिंह ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर वह 33,000 की लाइन को समय समय पर चेक करते तो उनकी ये फसल जलकर राख नहीं होती। उन्होंने प्रशासन पर भी आरोप लगाया कि उनकी इस अग्निकांड का किसी ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया, जो बड़ा खेत का विषय है। उन्होंने कहा कि किसान अपना खून पसीना बहाकर खेतों में अनाज पैदा करने का काम करता है, लेकिन चंद सेकंड के अंदर उनके अनाज पर विद्युत विभाग की घोर लापरवाही के चलते सेंध लग गई। क्या नाम है आपका? लखिंदर। ये जो घटना घटी है आपके जो यहाँ पर ये गेहूँ सारा जल गया है, तो इस पर आप सरकार से क्या मांग करेंगी, क्या कहेंगी, क्या कहना चाहेंगे? मुआवजा दिलवाए हमको पहले भी कर दिया बहुत हमारे से लॉकडाउन के कर्जे में ही तो कर्जा लेके उठाया था गेहूँ पर। सर उन्होंने कई बार कॉल की यहाँ पे तार गिरने के बाद टूटने के बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई लाइन मैन नहीं आया, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। हम गांव वाले बुझाने लगे, उन्होंने कह दिया कि लाइट बंद हो चुकी है। गांव वाले जब बुझा रहे थे एक बार फिर से दोबारा आग जल गई, उससे कई गाँव वालों बच गए, इस कारण कई मर भी सकते थे। इस घटना में किसी कोई भी जो आए थे यहाँ पर आग बुझाने के लिए, इस घटना में किसी के कोई हादसा तो नहीं हुआ किसी के साथ में? सर जब लाइट आई जलने के बाद जब भागा दौड़ी मची, कहीं गिरे यहाँ पे, कईयों को चोटें भी लगी हैं, नुकसान भी पहुँचा है।